आरसी तो फुट एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बहुत ज्यादा जो है एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है और समझना है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर आसिफ महमूद हूँ और मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिफ लेक्चर में। हम लोग बात कर रहे हैं लो एलिमिनेटमी की, और मैंने लो एलिमिनेटमी की जो लेक्चर आपके साथ किए वो तकरीबन सारे के सारे मैंने आपके साथ डिस्कस किए, मगर उसमें आरसी ऑफ फुट का टॉपिक बाकी रहता था और काफी स्टूडेंट मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं आपको आरसी ऑफ फुट के बारे में कुछ बताऊं, तो चलें आज हम आरसी ऑफ फुट की बात करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको आरसी ऑफ फुट के बारे में कुछ समझाऊं, मैं चाहता हूं कि आप इस फोटोग्राफ को बड़ा गौर से देखें। नाउ दिस इज अ फोटोग्राफ ऑफ ब्रिज और इसमें आपको क्लियर नजर आ रहा है देयर आर मेनी मेनी ब्रिक्स, और ये सारी ब्रिक्स आपको यहाँ नजर आ रही है और उसके ऊपर भी आप देखें साइड में भी आपको ब्रिक्स नजर आ रही है और ये ऊपर भी आपको बहुत सारी ब्रिक्स नजर आ रही है। जो चीज हमें यहाँ समझनी है वो ये है कि जब भी हम किसी सेगमेंटेड स्ट्रक्चर को देखते हैं, जैसे कि आपको नजर आ रहे हैं यहाँ बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, ये सारी की सारी जो ब्रिक्स हैं, ये सारे के सारे जो ब्लॉक्स हैं, ये इसके सेगमेंट्स हैं ना, तो जब भी हम किसी ब्रिक को, किसी सेगमेंटेड स्ट्रक्चर को, किसी ब्लॉक्ड स्ट्रक्चर को देखते हैं और हम चाहते हैं कि वो वेट बेयरिंग का काम करें, क्योंकि आप समझ रहे हो ये जो ब्रिज है इसके ऊपर गाड़ियां भी चलेंगी, इसके ऊपर लोग भी चलेंगे, इसके ऊपर कोई आमतौर भी होगी, चीजों की ट्रांसपोर्ट भी होगी वगैरह वगैरह, तो इसने वेट बेयर करना है। तो एक बात आप ध्यान में रखो कि जब भी आपको वेट बेयरिंग करनी होती है, आपको वजन उठाना होता है किसी सेगमेंटेड स्ट्रक्चर के जरिए, तो जब तक आप उसको आर्च की फॉर्म में नहीं बनाओगे, जैसे ब्रिज आप देख रहे हो एक पिलर है फिर एक आर्च है फिर एक पिलर है फिर एक आर्च है फिर सपोर्ट है, पिलर यहाँ पर भी होगा पिलर इस तरफ भी होगा, तो जब तक कोई सेगमेंटेड स्ट्रक्चर को हम आर्च की फॉर्म में डेवलप नहीं करेंगे ना, तब तक वो वजन नहीं उठा सकता। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखो। नाउ सेम गोज विद ह्यूमन फुट। अभी हम ह्यूमन फुट को देख रहे हैं और आप देख रहे हो कि ह्यूमन फुट भी उस ब्रिज की तरह एक आर्च्ड स्ट्रक्चर है, एक कर्व्ड स्ट्रक्चर है। आप देख रहे हो यहाँ पर फैलेंजेस हैं, यहाँ पर मेटाटार्सल्स हैं, यहाँ पर टार्सल्स हैं, तो ये सारे सेगमेंट्स के काम कर रहे हैं ना। अब इस सेगमेंट ने वजन उठाना है। अब आपको पता है जो वजन होता है ह्यूमन बॉडी का, वो एवरेज अगर हम देखें 60 kg 70 kg से करीब वजन होता है, कुछ लोगों का कम कुछ लोगों का ज्यादा, तो उस वो सारा का सारा वजन ना इस फुट ने उठाना है। तो ये फुट वो वजन उस वक्त तक नहीं उठा सकता जब तक हम इसको आर्च की फॉर्म में डेवलप नहीं करेंगे, ठीक है। तो नेचर ने इस चीज का खास ख्याल रखा है और नेचर ने हमारे जो फुट है उसके अंदर तीन आर्चेस जो है वो डेवलप किए हैं। उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो हमारी मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च है जो आपको यहाँ पर नजर आ रही है। देन वी हैव लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च जो यहाँ पे आपको नजर आ रही है। अब ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि ये दोनों जो आर्चेस है ना ये लॉन्गिट्यूडनल आर्चेस है ना, और एक हमारे पास आर्च और भी है विच इज द ट्रांसवर्स आर्च, वो हमें ट्रांसवर्स प्लेन में नजर आएगी, अदरवाइज हमें नजर नहीं आएगी। अच्छा, अब ये जो हमारी आर्चेस हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन आर्चेस को अगर हमें अप्रिशिएट करना हो तो हमें फुट का वेट प्रिंट देखना होगा। अब फुट का वेट प्रिंट क्या होता है आपको मालूम है कि अगर आप जाएं कभी फौज के इम्तिहान देने के लिए ISSB वगैरह, तो वो आपके पाओ को पानी में डिप करके देन फ्लोर के ऊपर उसके एक प्रिंट देखते हैं, और वो प्रिंट आपको कुछ इस तरह से नजर आता है, इस तरह से नजर आता है। देखें, ये मैंने कोई डायग्राम लगाया है जहां पर आप देख सकते हैं कि ये ब्रिज जो है जब तक आर्च की फॉर्म में नहीं होगा ये वजन नहीं उठाएगा। सेम गोज विद आवर फुट, तो हमारा फुट भी इसी तरह से, ठीक है। तो ये डिफरेंट हमें मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च, लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च और ये हमें ट्रांसफर आर्च नजर आ रही है। अब ये देखिए, अब ये वो एग्जाम है, ये हमारा नॉर्मल फुट है। तो आप देख रहे हो कि जब हम इसके कॉन्टेक्ट पॉइंट देखते हैं, तो जब हम इसके कॉन्टेक्ट पॉइंट देखते हैं तो आप देख रहे हैं कि हमारी हील ग्राउंड से कॉन्टेक्ट में है, देन मीडियल मार्जिन हमारी ग्राउंड से लिफ्टेड है, एलिवेट हुई भी, लेटरल मार्जिन को टच कर रही है, देन हमारी जो हेड्स ऑफ द मेटाटार्सल हैं और जो हमारे टिप्स ऑफ द टोज हैं वो उसको टच कर रहे हैं। अब जिन लोगों की आर्चेस लो होती हैं, फ्लैट आर्चेस होती हैं, उनका हमें इंप्रेशन इस तरह नजर आता है, और जिनकी आर्चेस हाई होती हैं, एक्स्ट्रा डेवलप हुई होती हैं, उनका हमें फुटप्रिंट इस तरह से नजर आता है। तो ये वो फौज वाले भी आपने देखा कि उसको देखते हैं, चेक करते हैं, एग्जामिन करते हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने बात को ध्यान में रखना है कि तो ये तो नॉर्मल हमारा फुटप्रिंट हो गया। अच्छा, अगर हम प्रेशर पॉइंट देखें तो आप प्रेशर पॉइंट भी आपको नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर ये जो हमारा फर्स्ट मेटाटार्सल होता है इसका जो हेड होता है उसके नीचे दो सेस्मोइड बोन्स होती हैं, तो दो सेस्मोइड बोन इधर, फिर हमारे हेड ऑफ द फोर मेटाटार्सल बोन्स, फिर हमारे जो हील है ये हमारे हाईएस्ट प्रेशर वाले कॉन्टेक्ट पॉइंट है फुट के ऊपर, फिर ये जो लेटरल साइड ऑफ द हमारा फुट है इसके ऊपर प्रेशर है, मगर ये प्रेशर बाकियों से कम है, ठीक है। मैं आपको इसका एक मैप दिखाता हूँ जो कि आपको इसके प्रेशर पॉइंट जो है वो दिखाएगा। ये देखिए, अब सबसे ज्यादा प्रेशर जो है वो एक तो हील पर है, उसके बाद जो हमारा फर्स्ट मेटाटार्सल का हेड है यहाँ पर दो सेस्मोइड बोन है वो इसको उठा रही है, और देन हमारे हेड ऑफ द फोर जो लेटरल मेटाटार्सल बोन है वो इसको उठा रहे हैं, साथ में हमारा ग्रेट टो। अब देखिए ये प्रेशर बहुत ही कम है किसके ऊपर, लेटरल मार्जिन ऑफ द फुट के ऊपर, और मीडियल मार्जिन ऑफ द फुट पे तो ये है ही नहीं क्योंकि यहाँ पर हमारी मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च है जो उसको बेयर कर रही है, ठीक है। अच्छा, जो ट्रांसफर आर्च है ना हमारी, ट्रांसफर आर्च तो आप समझे कि हमारी पूरी आर्च है ही नहीं, वो हमारी हाफ आर्च है, तो हम इसको जब डिस्कस करेंगे तो हम उसकी बात करेंगे कि वो हाफ आर्च जो है वो कैसे है, ठीक है। अच्छा, अब जब ये सारी चीजें आपने देख ली तो अब आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करना है ताकि उनको भी आर्चेस ऑफ फुट समझने में जो है वो आसानी हो। अब ये जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे पॉइंट मैंने स्लाइड टू स्लाइड यहाँ पर लिख दिए हैं, मैं इसको एक एक सेकंड के लिए यहाँ रोकता हूँ, आप वीडियो पॉज करके इसके नोट भी बना सकते हो और अपने हिसाब से किताब में से पढ़ के किताब में से भी इसके नोट जो है आप बना सकते हो, ठीक है बेटा।
अब जब हम अपने फूड को देखते हैं तो हमारे फूड में हमें तीन जो है वो आर्चेज नजर आती हैं, और वो तीन आर्चेज कौन कौन सी हैं? वी हैव द मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च, वी हैव द लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च एंड वी हैव द ट्रांसवर्स आर्च। अब इन तीनों के ऊपर मैं तीन अलग अलग वीडियो करूंगा ताकि आपको तीनों आसानी समझ में आए। तो बस आपके लिए इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आई होगी। ये इंट्रोडक्शन ऑफ द आर्चेज ऑफ फुट के ऊपर थी, ये हमारी मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च अब आप देख रहे हो। अगले लेक्चर में मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च की बात करेंगे। ये डिफरेंट बोन्स है जो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च बना रही है, ये लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च, ये डिफरेंट बोन्स जो लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च बना रही है, और ये हमारी ट्रांसवर्स आर्च, और ये डिफरेंट बोन है जो हमारी ट्रांसफर आर्च बना रही। तो अभी इस वीडियो को हम यहाँ पे रोकते हैं। अब बाकी जो तीनों लॉन्गिट्यूडनल आर्चेज हैं, दो लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसफर, सॉरी, उसके ऊपर मैं आपके साथ अलग से वीडियो करूंगा और उसमें मैं आपको उनके बारे में डिटेल में समझाऊंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी आर्चेज और फुट समझने में आसानी हो।